हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक इस तरह की टोपी बना करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी टोपी है। देखिए इस तरह से ये नीचे से है और इस तरह से ये बैक साइड से है। देखिए बैक साइड से इस तरह से आएगी, देखिए, और फ्रंट साइड से ये इस तरह से आएगी। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बना करके दिखाऊंगी कि ये टोपी जो है कैसे बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपनी वीडियोस को, ताकि हमारे सभी जो फ्रेंड्स हैं वो इन चीज़ को बना करके अपने बच्चों को या अपने बड़ों को पहना सकें, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सभी को ज़रूरत है वूलन जो है कैप की, शूज़ की, सॉक्सेस की। तो आप शेयर जरूर कर दिए कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी जो अच्छी अच्छी कैप और सॉक्सेस या कार्डिगन कुछ भी हम बना करके आपको दिखाते हैं वो भी बना सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस टोपी को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो मैं आपको इसे बना करके दिखाती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए इस टोपी को बनाने के लिए हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारा माथे के ऊपर आएगा, ये बॉर्डर जो है हमारा माथे के ऊपर आएगा। मैंने डबल बॉर्डर बनाया है, आप कोई भी बॉर्डर इसे इसमें जो है बना करके रेडी कर सकते हैं। देखिए मैंने डबल बॉर्डर इसमें बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और वाइट कलर की वूल मैं वूल से बना रही हूँ, थ्री प्लाई की वूल है। देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे तो थ्री प्लाई की ये वूल है, इससे मैं बना रही हूँ। आप कोई भी वूल ले लीजिए, कोई भी आप जो है बॉर्डर बना लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, डेढ़ इंच के करीब, दो इंच के करीब हमने बॉर्डर बनाना है। और इसे लगभग जो है, देखिए यहाँ से अगर सेंटीमीटर्स के हिसाब से देखेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर के करीब हमारा बॉर्डर है। यहाँ से देखेंगे तो डेढ़ इंच के करीब हमारा जो है बॉर्डर है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बॉर्डर बना सकते हैं। अब आ जाइए इस टोपी को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमने फंदे लेने हैं। मैंने 76 फंदे लिए हैं, जो 6 महीने से 8 महीने के बच्चे को आराम से आएगी टोपी। आपने कैसे मेजर करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए जो आपके बच्चे का सिर है, इस तरह से आपने जो है माथे के ऊपर से इस तरह से नापना। देखिए यहाँ से ऐसे आएगी, ये फेस है आपका और यहाँ से ये वाला आपका हेड है और यहां से इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से आपने नापना है, ऐसे आप नाप लीजिए सेंटीमीटर के हिसाब से। इस तरह से नाप लिया आपने गर्दन की ओर, हमारा जो है लगभग 36 सेंटीमीटर आया है। तो हमारे यहाँ पे 72 स्टिचेस पड़ेंगे। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितने भी आएंगे उतने आपने डालने हैं। आपको समझ आ गया होगा, आपने जो है सिर के ओर से नापते हुए जाना है। मान लीजिए ये हमारा फेस है, इस तरह से आपने नापना। देखिए ये फेस आ गया, ये सिर आ गया, ये फेस आ गया। तो यहाँ पे हमने इस तरह से नापना है, जितना भी सेंटीमीटर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब उतने आपने फंदे डालने हैं, 1-2 ज्यादा या कम डाल लीजिए, कोई बात नहीं। तो अब ये तो हो गया यहां से इसकी स्टार्टिंग। मैंने 76 फंदे डाले हैं, 76 फंदे डाल करके ऊपर मैंने जो है 6-7 सलाइयां जो है इस तरह से सीधे और उल्टे की हैं। उसके बाद ये मैंने डिजाइन डाला है, डिजाइन बहुत सिंपल है। इस तरह से आप डिजाइन डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं तो इसे प्लेन भी बुन सकते हैं। तो अब इसको कितना बुनना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको लगभग जो है हमने, ये मैं डिजाइन भी आपको बना करके दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे 6-7 सिलाइयां पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है डिजाइन डालूंगी। अब इसको जो है हम लगभग 6 इंच के करीब जो है बुनेंगे। तो सेंटीमीटर्स जो है हमारे 15 सेंटीमीटर आएंगे।
अगर आपने सेंटीमीटर के हिसाब से देखना है तो 15 सेंटीमीटर आएंगे, अगर इंचेस के हिसाब से देखना है तो 6 इंच के करीब हमने इसको बुनना है अभी और। तो 6 इंच मैं बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे हमने जो है इसको आगे कंटिन्यू करना है। स्पेशली जो है ये गर्ल्स कैप है, गर्ल्स के लिए है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी कैप जो है बन करके आएगी। व्हाइट कलर में तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी आप, लेकिन आप कोई भी कलर में बना सकते हैं इसे, लेकिन मैं व्हाइट कलर में बनाऊंगी तो व्हाइट कलर में बहुत ही उभर के जो है कैप बनती है, बहुत उभर के आता है इसका डिजाइन। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसको देखिए 76 फंदों के साथ इसे 6 इंच के करीब हम बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 6 इंच के करीब जो है इसे बुन लिया। देखिए इस तरह से 8 सिलाइयों के बाद ये वाला डिजाइन, 8 के बाद ये वाला और 8 के बाद ये वाला, तो इस तरह करते हुए 3 डिजाइन हुए हैं। तो 6 इंच के करीब हमारा जो है पैटर्न बन चुका है। 6 इंच के करीब हमने इसकी लंबाई बनाई है। तो अब आगे कैसे बनाना है वो हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारे पास जो है 76 फंदे हैं, 76 फंदों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो एक फंदा हमारे पास ज्यादा हुआ तो एक फंदे को हम बीच में ले आएंगे, मतलब कि 25 इस तरफ, 25 फंदे इस तरफ, 26 हमारे बीच में आएंगे। तो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फर्स्ट जो रो है सीधी बनाऊंगी इस तरह से, इस रो को सीधा बनाते हुए अपने फंदों को मार्क भी करते जाएंगे हम। पहले 25 फंदे बुनेंगे, उसके बाद फिर मार्क करेंगे, उसके बाद 26 बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1, 25। यहाँ पे हम जो है एक मार्क लगाएंगे ताकि हमारा जो है इस तरह से, देखिए यहाँ पे एक मार्क लगा लिया हमने क्योंकि यहाँ पे हम अब 26 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक फंदा ये है। तो यहाँ पे 26 हो गए और लास्ट में हमारे पास 25 फंदे बचे हैं। तो 25 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। और इसके बाद हम जो है मार्क यहीं का यहीं रहने देंगे, यहाँ पे मार्कर हैं वहीं पे रहने देंगे और एक सिलाई पूरे फंदों की उल्टे की करेंगे हम। उसके बाद कैसे बनाना है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए फिर से आ गए हम सीधी साइड। सीधी साइड में हम 25, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 24। 24 फंदे हमने बुन लिए। ये जो 25वां फंदा है और ये 26 में से एक लास्ट वाला फंदा है, इसे हम जो है इन दो फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे। देखिए इस मार्क को हटा देंगे इस तरह से,
ये 25वां फंदा है और ये 26वां फंदा है, यहाँ से बीच वाले में से यहाँ से 26वां, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। अब 24 फंदों को हम जो है इन्हें नहीं बुनेंगे, ये बीच वाले से 26 फंदे हैं इन्हें ही हम बुनते जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अब देखिए बीच में 25 हमने बुन लिए, ये जो 26वां फंदा है उसे हम लेंगे और इधर से हम 25वां फंदा लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को सीधा करते हुए 2 का 1 करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे जो 24 फंदे रहे हैं उन्हें हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे, देखिए इस तरह से सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे सारी सिलाई को। यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था पहले सीधी सिलाई में, वहां तक हम इन फंदों को बुनेंगे, मतलब कि 26 फंदे हमने बुनने हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब यहीं से वापस जाएंगे देखिए और इस वाले फंदे को हम साथ लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है उल्टी साइड से हमारा फंदा घटेगा। देखिए ये जो 24 और 26वां फंदा है इसे हम इस तरह से कम कर देंगे, दोनों को इकट्ठा बुन देंगे, मतलब कि यहाँ से एक फंदा हमारा और काम हो गया। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 23। पहले हमारे पास 25 फंदे थे, फिर 24, अब 23 फंदे हैं। तो इन 23 फंदों को हम यहीं रहने देंगे, यहीं से वापस जाएंगे, 26 फंदे हम फिर से सीधे बुनेंगे। बस यही करना है आपने, यहाँ पे जो 26 फंदे हैं एज इट इज रहेंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे और इसके साथ लेते हुए घटा देंगे, मतलब कि एक एक फंदा लेते हुए जाएंगे, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, बीच में जहाँ पे हमने घटाया है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी सिलाई जो है 26 फंदों की, इसमें 25 फंदे हमने बुनने हैं और 26वें फंदे के साथ लेकर के दूसरी साइड से एक फंदा 2 का 1 कर देना है। इस तरह से हमारे फंदे जो हैं कम होते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए ये हो गए 25 फंदे। अब ये जो 26वां फंदा है इसे इसके साथ में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, ऐसे करेंगे। फिर हम एक फंदा उतारेंगे और बाकी 25 फंदों को इस तरह से 25 फंदे बुनेंगे, 26वें फंदे के साथ दूसरी साइड से एक फंदा लेके 2 का फिर से 1 कर देंगे। बहुत ही आसान है, इस तरह से देखिए ये हो गए। अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इसे इस तरह से बुन देंगे 2 का 1, फिर यहां से वापस जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने जो है दो का एक और यहीं से वापस जाएंगे,
फिर से हम 25 फंदे यहाँ पे बुनेंगे, एक उतारा, अब यहाँ पे 25 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक 26वां फंदा और यहाँ से लेंगे एक, दो का एक कर देंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारे पास जो है सारे फंदे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते, सिर्फ और सिर्फ 26 फंदे ही बीच में रहने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको डिज़ाइन भी बता देती हूँ यहाँ पे बना करके। ये देखिए, यही वाला डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाएंगे जो 26 फंदे हैं हमारे पास। तो तीन तीन के मल्टीपल में फंदों को डिज़ाइन जो है ये बनता है फंदों में, इस तरह से एक उतारा, बाकी सारे फंदों को लास्ट वाले एक को छोड़ के दो बार हमने रैप करते हुए सारे फंदों को इस तरह से बनाना है। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होगा और राइट साइड से ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि दो सिलाइयों का ही डिज़ाइन है। इस तरह से सारे फंदों को आपने इस तरह से रैप करते हुए बनाना है। दो बार लपेटना है धागे को सिलाई के ऊपर इस तरह से, इस तरह से। और फंदा निकाल लेना है। कोई भी डिजाइन आप इसमें डाल सकती हैं, आप चाहें तो उल्टी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी रोज भी डाल सकती हैं। देखिए, ये लास्ट वाला फंदा इस फंदे को साथ में लेके हमने इस तरह से इसको बना दिया, ऐसे सीधा किया और दो का एक किया। अब यहाँ से फिर से वापस जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारी किनारी जो है इस तरह से चेन सी बन जाएगी इसमें। अब इस फंदे को उतारेंगे। अब डिज़ाइन की सेकंड रो है, तीन फंदों को हम इस तरह से खोलेंगे और तीन में से तीन फंदे बनाएंगे, एक, दूसरी बार धागा घुमाया दो, और तीसरा फिर से बुन के किया तीन। फिर तीन फंदे खोलेंगे हम, इन तीनों को फिर से उसी तरीके से बुनेंगे ऐसे। तीन में से हमने तीन फंदे ही निकालने हैं। तीन फंदों को खोला, एक बार बुना, दूसरा धागा घुमा के, तीसरी बार फिर से बुन लिया, तो तीन के तीन फंदे हमारे पास आ जाएंगे। फिर से तीन फंदों को खोला इस तरीके से। प्यारा सा डिज़ाइन है, आसान सा डिज़ाइन है। इस तरह से इस डिज़ाइन को आप फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल करके बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा और छोटा छोटा सा डिज़ाइन जो है बहुत आसानी से बनता है। ये तीन फंदे खोले, एक फंदा बनाया, दूसरा लपेटा धागा, तीसरी बार फिर से उन्हीं तीन फंदों को बना लिया, तो तीन फंदों के हमारे पास तीन फंदे ही आ जाएंगे इस तरह से। देखिए, फिर लास्ट वाला जो फंदा है इसे हम दो का एक करेंगे। ये नहीं भूलना है आपने, दो का एक हमेशा करते हुए जाना है, तभी हमारे जहां से फंदे जो हैं कम होंगे। तो इस तरह से वापस से गए और पूरी सिलाई को हमने उल्टा बुन दिया। अब इसके बाद फिर से आठ सिलाइयां बनाएंगे और नौवीं सिलाई में हमने फिर से इस डिज़ाइन को डालना है। तो इस तरह से जो आठ सिलाइयां मैं बना रही हूँ सीधे और उल्टे की, आपने अपने हिसाब से बनानी है, कितनी आपको जो है गैप चाहिए उतनी आपने सीधा उल्टा बुनना है। उसके बाद फिर से ये डिज़ाइन डाल लीजिए। तो अब इस तरह से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है सारे फंदे खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक फंदा है वो जाते हुए हम यहाँ पे घटा देंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है इस तरीके से फंदों को बंद करेंगे ऐसे, सारे फंदों को एक एक करते हुए लास्ट तक हम बंद करेंगे। जो लास्ट वाला फंदा है उसे भी हमने इस तरीके से दो का एक कर देना है। सारे फंदों को यहां तक बंद कर देंगे। अब देखिए, पूरे फंदे हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ से कवर किए, एक एक करते हुए बंद किए, यहाँ तक आ गए।
और यहाँ से भी हमने इसको एक एक करते हुए बंद किया, बीच में से 26 फंदे और 25 इस तरफ, 25 इस तरफ लिए। बीच वाले जो 26 फंदे हैं उसको हमने इस तरह से देखिए दोनों साइड से एक एक करते हुए बंद किया। अब देखिए हमने कैसे बनाना है इसको, आगे इस तरह से पकड़ेंगे इसी फंदे को लेके, यहाँ से हम जो है आगे की साइड से जो बॉर्डर तक है वहां तक हम फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे हर एक चेन में से एक एक फंदे को उठाते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह से यहां से लेके यहां तक हम फंदे उठा लेते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए हमने कितने फंदे उठाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1, तो 25 फंदे हमारे यहाँ पे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है बॉर्डर है, बॉर्डर को हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम 25 फंदे उठाएंगे। देखिए दूसरी साइड से भी इस तरह से हम 25 फंदे उठा लेंगे, हर एक चेन में से एक फंदा हम उठाएंगे इस तरीके से। देखिए ये आपको लास्ट वाली चेन दिखाई दे रही है, तो इसके साथ हम जो है इन फंदों को उठाएंगे, हर एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाएंगे। तो जितने आपने इस साइड से उठाए हैं उतने ही दूसरी साइड से उठाए हैं, ये हमारा मुंह का हिस्सा जो है खुला रहेगा। अब यहां तक मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आप देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1, 25वां फंदा। तो 25 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए। अब हमने इसको बुनना है इस तरह से दोनों साइड से। पहले तो एक सिलाई हम इस तरह से उल्टी बना लेते हैं, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे वैसे तो। इस तरह से एक सिलाई हम यहाँ पे पूरे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। 50 फंदे हैं हमारे पास, तो इन 50 फंदों को हम जो है उल्टा बुन के फर्स्ट रो जो है कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट रो तो हमने सीधी बुन ली, अब देखिए यहाँ पे फिर से फिर उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे और सीधी साइड से भी उल्टी बुनेंगे। 2 का 1 किया, एक फंदा उतारा। अब फर्स्ट रो राइट साइड से आएगी, ये भी हम उल्टी बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, मतलब कि दोनों साइड से हमने एक एक फंदे को घटाते हुए जाना है इस तरह से। देखिए दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। और दूसरी साइड से भी एक फंदा घटाना है, तो 2 का 1 करने के बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। लास्ट तक मैं आपको ये सिलाई बना करके दिखा देती हूँ। आप एक साइड रखना, चाहे तो आप उल्टी साइड से 2 फंदे घटा दीजिए साइड साइड से, चाहे आप सीधी साइड से घटा दीजिए। एक साइड आपने रखनी है कि आप कौन सी साइड से एक एक फंदा कम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से 2 का 1 किया और लास्ट वाला हमने इस तरह से बुन दिया। अब फिर यहां से वापस जाएंगे और पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे। अब सीधी साइड है, देखिए फिर से हम इस तरह से एक फंदा उतारा, नेक्स्ट 2 का हम 1 करेंगे। दो का एक किया और बाकी फंदे पूरे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इन फंदों को घटाते हुए जाना। आप देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है ये वाली साइड इस तरह से बनी है। देखिए
यहाँ से इस तरह से आएगा और ये आगे की साइड से जो हमने फंदे उठाए थे वो हमारा इस तरह से बन गया है। अब हम इसमें जो है क्रोशिया के साथ जो है थोड़ा सा करेंगे, क्रोशिया वर्क करेंगे। क्रोशिया आप कोई भी नंबर का ले सकती हैं, मतलब कि अगर आपकी बूल जो है मोटी है तो आप मोटा क्रोशिया लीजिए, अगर बारीक बूल है तो बारीक ले लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से एक फंदा है हमारे पास, तो इस फंदे को थोड़ा सा हम इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से देखिए बनाएंगे। अब ये यहां से पकड़ेंगे फिर से और इसे दो फंदों में इस तरह से निकालेंगे, फिर यहां से इस तरह से बनाएंगे, फिर इस धागे में से हम इस तरह से निकालेंगे और ऐसे बना देंगे। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे, देखिए एक दो तीसरी चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे ऐसे, इस तरह से हो गया। अब फिर से हम इसे इस तरह से लॉन्ग लूप लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर यहां से पकड़ेंगे, फिर एक लंबा लूप लेंगे, फिर यहां से पकड़ेंगे, फिर यहां से निकालेंगे इस तरह से करते हुए। फिर देखिए एक दो तीसरी चेन में फिर से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, फिर एक लंबा लूप लेंगे इस तरीके से और यहां से ऐसे पकड़ेंगे। इस वाले धागे में से हम फिर से इसको इस तरह से निकालेंगे, फिर एक लॉन्ग स्टिच लेंगे इस तरह से निकालेंगे, यहां से फिर इसको इस तरह से बंद करेंगे, फिर दो चेन छोड़ेंगे एक दो तीन तीसरी में, फिर इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। तो इसके चारों ओर जो है हमने इस तरह का जो है बनाना है, यहां से यहां तक और पीछे की साइड से इस तरह से यहीं पे आके हम बंद करेंगे। तो मैं सारा एक राउंड बना लेती हूँ फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स फिर हम दूसरा राउंड बनाएंगे, देखिए एक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसी के ऊपर दूसरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से फिर से उसी तरीके से करेंगे ऐसे, फिर यहां से धागा इस तरह लाए, इस तरह से लॉन्ग लूप लेने के बाद हमने इस तरीके से बनाना है, फिर यहां पे इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से ज्वाइंट किया, फिर यहां पे एक लॉन्ग लूप लिया ऐसे, फिर यहां से सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहां पे लॉन्ग लूप लिया, फिर यहां पे सिंगल क्रोशिया बनाया और इसमें हमने ज्वाइंट कर दिया। तो दूसरा राउंड जो है पूरा इस तरह से कंप्लीट होगा, इस तरह से हमारा दूसरा राउंड भी बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका तीसरा राउंड हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहां पे लंबा लूप लिया और इसे इस तरह से निकाल दिया। अब फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन, और यहां पे फिर से हम इस तरह से एक लंबा लूप लेंगे ऐसे, मतलब कि जो सेंटर में है उसमें हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसको इस तरह से यहां पे ज्वाइंट कर देना है, फिर यहां पे एक लंबा लूप बनाएंगे इस तरह से, इसको इस तरह से बनाएंगे एक,
एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग लूप लेंगे, फिर इसको इस तरह से बना करके यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। तो लास्ट वाला, एंड वाला हमारा जो है इस तरह से बनता जाएगा। तो इस तरह से बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फाइनल लुक जो है कैप की कुछ इस तरह से आई है। देखिए यहाँ से हमारा बच्चे का फेस जो है, ये फेस के आगे आएगी देखिए इस तरह से, और ये बैक साइड होगा इसका, और ये होगी हमारी आगे की साइड। ये देखिए ये बच्चे की चेस्ट पे आएगी, और बहुत ही प्यारी सी कैप जो है बन करके रेडी हुई है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से बना है, ये नेट जो है इस तरह से बनी है। आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं, इस तरह से बन करके रेडी हुई है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर कैप पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।